हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मायोसाइटिस के बारे में। आज की वीडियो में आपको समझाएंगे कि मायोसाइटिस क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, यानी कि इसके होने का कारण क्या होता है, इसका डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे करते हैं, साथ ही आपको बताएंगे कि इसका मेडिकल और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, मायोसाइटिस का मतलब होता है, मायो मतलब मसल्स और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी कि जब आपकी मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोसाइटिस। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके होने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी मेडिकेशन की वजह से या उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको अगर आपके मसल्स में इन्फ्लेमेशन देखने को मिले या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी आपको मायोसाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको अपने मसल्स में पेन देखने को मिलता है, आपको मसल वीकनेस देखने को मिलती है, आपके जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो रिड्यूस हो जाता है, आपको मसल्स के अंदर फटीग देखने को मिलता है, थकान देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस डॉक्टर्स कैसे करते हैं। दोस्तों, इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं ताकि आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को पता किया जा सके, साथ ही आपके मसल्स की बायोप्सीज करते हैं और कुछ इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं जैसे सीटी और एमआरआई, जिससे कंडीशन की जो है वो उसको कंफर्म किया जा सके कि आपको मायोसाइटिस है या नहीं है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसके कारण के ऊपर। अगर आपको मायोसाइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से है तो डॉक्टर्स आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं ताकि आपके सिम्टम्स को कम किया जा सके और उसको मैनेज किया जा सके। दोस्तों, मायोसाइटिस के अंदर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जाती है, पेन कम करने के लिए पेन मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, मसल्स थक जाती हैं जिसकी वजह से आप अपने पोस्चर को प्रॉपर नहीं रख पाते हैं तो पोस्चर करेक्शन टेक्निक्स आपको बताई जाती है, और कुछ ऐसी टास्क आपको बताए जाते हैं जो आपके डेली एक्टिविटीज़, जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको आप कितनी कम एनर्जी के साथ, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स के साथ कैसे कर सकें। तो फिजियोथेरेपी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मायोसाइटिस के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया मायोसाइटिस के बारे में। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मायोसाइटिस से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।